रिंकू सिंह की लोकप्रियता के आगे फेल हो गए विराट जैसे बड़े दिग्गज, क्रीज पर थे रसेल, लेकिन मैदान में गूंज रहा था रिंकू रिंकू और सिर्फ रिंकू। आखिरी बॉल पर रिंकू ने मारा चौका, लेकिन वो कर गया छक्के सा काम। हारा हुआ मैच तो जिताया ही, लेकिन एक बार फिर दिल भी जीत लिए। रिंकू के लिए रसेल ने कुर्बान कर दिया विकेट और तारीफ में कह दी इतनी बड़ी बात जो अब तक किसी विदेशी खिलाड़ी ने नहीं बोली। क्रीज हो या चेंजिंग रूम, रिंकू के बिना नहीं रह पाते रसेल। इस वजह से रिंकू का फैन हुआ विदेशी खिलाड़ी और इसीलिए बढ़ रही दिन पर दिन लोकप्रियता। रिंकू रिंकू और रिंकू। आईपीएल के इस सीजन में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो रिंकू सिंह हैं। रिंकू के दीवाने जहां क्रिकेट के फैन हो रहे हैं, तो वहीं अब दिग्गज खिलाड़ी भी रिंकू के दीवाने हो रहे हैं। ऊपर से रिंकू सिंह का शानदार खेल उन्हें और लोकप्रिय बना रहा है। रिंकू सिंह ने कई मैच ऐसे रोमांचक मोड़ पर जितवाए हैं जो टीम के हाथ से जाने लगे थे, लेकिन रिंकू ने आखिरी बॉल पर चौका मारा तो छक्के सा काम कर गया और टीम जीत गई। लेकिन रिंकू सिंह के लिए आंद्रे रसेल ने एक बड़ी कुर्बानी भी दी। मैच रिंकू ने जितवाया, लेकिन मैन ऑफ द मैच आंद्रे रसेल को मिला। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद रसेल भी रिंकू की 10 गेंद में 21 रन की कैमियो पारी के मुरीद थे। अंतिम लम्हों में ईडन गार्डन स्टेडियम में रसेल नहीं बल्कि रिंकू के नाम से गूंज रहा था। आखिरी ओवर में रसेल रिंकू सिंह को स्ट्राइक देने के चक्कर में ही रन आउट हुए थे। इस बारे में पूछे जाने पर वो कहते हैं कि जब आपके पास दूसरे छोर पर रिंकू है तो चिंता नहीं है, मैं सिंगल लेता हूं या नहीं। रसेल ने उस दौरान रिंकू से बातचीत के बारे में बताया। उसने मुझसे पांचवी गेंद से पहले पूछा, रस अगर बॉल तुम्हें बीट कर देगी तो क्या हम रन के लिए दौड़ेंगे? तब मैंने जवाब दिया कि क्यों नहीं, मुझे और पूरी टीम को उस पर पूरा भरोसा है। वो एक महान फिनिशर है, साथ ही साथ लेफ्ट हैंड पेसर अर्शदीप सिंह को खिलाना बाएं हाथ के रिंकू के लिए आसान था, क्योंकि उसकी बाइड यॉर्कर बॉल मेरे लिए बाहर की ओर जा रही थी। रिंकू सिंह की तारीफ करते हुए रसेल कहते हैं, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी सफलता के पीछे फ्रेंचाइजी की भी बड़ी भूमिका है। मुझे पता है कि वो क्या कर सकता है। वो यहाँ सालों से है और उसने अपने तरीके से काम किया। जहाँ वो अभी है वहाँ पहुँचने के लिए काफी संघर्ष किया है। वो बहुत अनुशासित, मेहनती और टीम का सबसे मजेदार लड़का है। मैं हमेशा चेंजिंग रूम में उसके करीब रहने की कोशिश करता हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं। जिस मैच को रिंकू ने जितवाया वो पंजाब किंग्स के साथ केकेआर का था, जिसके मैन ऑफ द मैच आंद्रे रसेल रहे, लेकिन हीरो रिंकू सिंह बन गए। आपको रिंकू सिंह का कौन सा प्लेइंग स्टाइल अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।